दोस्तों कोर क्वाइन को अब मेटामास्क वॉलेट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। साथ में कोर क्वाइन में आपको क्या क्या सेटिंग करने हैं, जिसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के द्वारा दिया जा रहा है। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर एक ऑप्शन भी अगर आप मिस करेंगे तो आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि कोर में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विड्रॉ डिपॉजिट के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है लिंक विड्रॉ एड्रेस का। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि वॉलेट एड्रेस का ऑप्शन आ गया है और एसेट पासवर्ड। तो यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि ये जो एसेट पासवर्ड है, बहुत से ऐसे यूजर्स हैं जिनका एसेट पासवर्ड हो सकता है अभी उन्होंने क्रिएट नहीं किया है, या अगर आपने क्रिएट किया भी है तो वो आप देख लीजिए कि आपका जो एसेट पासवर्ड है वो आपको याद है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर अगर एसेट पासवर्ड अगर इन फ्यूचर में अगर आपका खो जाएगा तो आने वाले समय में आप कोर क्वाइन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ में यहां पर इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, ये इंस्ट्रक्शन क्या है पहले हम ये पढ़ लेते हैं जो अभी का अपडेट है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम सारा इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग लेटेस्ट अपडेट के लिए। साथ में हमारा जो बेल आइकन है साइड में, उसे जरूर आप क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों अब हम यहां पर बात करते हैं, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि यहां पर सबसे पहले जो ऑप्शन आता है बिट क्वाइन का, साथ में कोर का और इथेरियम का। इसके बाद जो यहाँ पर एयरड्रॉप के रूप में हमें जो क्वाइंस मिल रहे हैं वो इसका नंबर आता है, जैसे एक TCA, TCB एंड TCC। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो बिट क्वाइन है। अगर आप चाहो तो बिट क्वाइन, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरा 21,569, यानी कि जो विड्रॉवल मिनिमम विड्रॉवल का जो यहाँ पर लिमिट होता है 20,000 होता है, और 20,000 से ऊपर है। यहाँ पर मैं ये जो बैलेंस है बिट क्वाइन का इसे भी विड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आज का अपडेट है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, और वो अपडेट है आपका कोर से रिलेटेड। दोस्तों कोर को आप मेटामास्क में यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां पर जिसे क्लिक करेंगे यहां पर लिंक विड्रॉ एड्रेस का ऑप्शन आ जाता है, यहां पर क्लिक करने के बाद विड्रॉ एड्रेस का ऑप्शन आ जाता है। तो यहां पर विड्रॉ एड्रेस आप कहां से लेंगे ये बात करेंगे, और एसेट पासवर्ड कैसे आपको क्रिएट करना है इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर जो विड्रॉ एड्रेस है, विड्रॉ एड्रेस यानी कि जो यहां पर एड्रेस आप सबमिट करेंगे वो एड्रेस होगा आपका मेटामास्क वॉलेट का। यहां पर सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और साथ में ये भी इसमें बताया गया है, यहाँ पर जो आप एड्रेस डालोगे वो एड्रेस आपका 3 बार से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है ये आपका यहाँ पर लैप्स हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है कि यू कैन लिंक एंड चेंज द वॉलेट एड्रेस 3 times मोस्ट बिफोर यू लॉक योर रजिस्ट्रेशन, प्लीज मेक श्योर टू टेक गुड केयर ऑफ योर प्राइवेट की एंड मिनिमोनिक फ्रेज टू अवॉइड लॉस ऑफ फंड। यानी कि यहाँ पर जो आप एड्रेस सबमिट करेंगे ये आपका 3 बार चांस मिलेगा, यहाँ पर अगर इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर अगर ट्रांजेक्शन्स करने होंगे तो इससे आपको बचना है, ठीक है दोस्तों, नहीं तो यहाँ पर जो आपका फंड है यानी कि जो कोर क्वाइन है वो आपका लॉस हो सकता है। आगे यहाँ पर बताया कि प्लीज डू नॉट यूज अ कोर डिपॉजिट एड्रेस फ्रॉम एनी एक्सचेंज, ये बहुत ही बड़ा न्यूज है। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पर यानी कि कोर क्वाइन को लिस्टिंग को लेकर बहुत से एक्सचेंज पीछे पड़ चुके हैं, वो चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर कोर बहुत जल्दी लॉन्च हो, क्योंकि जो एक्सचेंज जितना जल्दी अपने प्लेटफॉर्म पर कोर क्वाइन को लॉन्च करेगा उसके यूजर्स उतने ही ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। इसलिए यहाँ पर होल्ड लगी है एक्सचेंजों का कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर एक्सचेंज को लेकर के आए। और जैसा कि यहाँ पर मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा, पहले यहाँ पर जो एड्रेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये हम पहले जान लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया कि प्लीज डू नॉट यूज अ कोर डिपॉजिट एड्रेस फ्रॉम एनी एक्सचेंज, ठीक है यहाँ पर जो बताया गया है, और यू विल नॉट बी एबल टू रिसीव कोर फ्रॉम द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों यहाँ पर जो एक्सचेंज में आपको अगर वॉलेट एड्रेस मिलता है तो वो एड्रेस आपको यहाँ पर सबमिट नहीं करना है, ये भी चीज़ याद रखना, एक्सचेंज का एड्रेस आपको यहाँ पर नहीं देना है। आगे यहाँ पर बताया गया है कोर क्लेम्स विल बी फैसिलिटेटेड बाई डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं ये जो आगे का प्रोसेस है वो इसी के बारे में दिया है, जो मैं यहाँ पर आगे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें चलना है मेटामास्क के प्लेटफॉर्म पर। तो मेटामास्क मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने अपना मेटामास्क वॉलेट यहाँ पर ओपन कर लिया है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि कोर को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। दोस्तों अगर कोर आपने अभी तक ऐड नहीं किया है तो कैसे ऐड करना है इस पर आपको वीडियो चाहिए तो
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में मैं आपको ये प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। तो जैसा कि आप मेटामास्क में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कोड है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, आपका 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक रिसीव का और एक सेंड का। यहाँ पर रिसीव अगर करेंगे तो रिसीव करने पर यहाँ पर वॉलेट एड्रेस आ जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ पर जो कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी अगर आप कर लिख के और आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर हम चलेंगे यहाँ पर सातोशी कोर एप्लीकेशन में। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर जो वॉलेट एड्रेस हमें सबमिट करना होगा, इस प्रकार से आप यहाँ पर सबमिट कर लेंगे। दोस्तों ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि इसी प्रकार से यहाँ पर जो एड्रेस आपको सबमिट करने होंगे और साथ में एसेट पासवर्ड, जिससे यहाँ पर जो कोड जो होगा वो लिंक हो जाएगा आपके मेटामास्क वॉलेट से। लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस अभी आपको नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये प्रोसेस अभी नहीं करना है। अभी आप रुकिए, कम से कम 4 से 5 दिन आप रुकिए, कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो आप यहाँ पर अपना कोर को लॉस भी कर सकते हैं, ये चीज़ आप याद रखना। क्योंकि यहाँ पर मैं उसका रीज़न भी बताऊँगा कि क्यों आप लॉस कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो एसेट पासवर्ड है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना एसेट पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है, या जिन्होंने क्रिएट किया है वो भूल भी चुके होंगे। तो यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर किस प्रकार से आपको एसेट पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहां पर आपको मी के सेक्शन पे आना है और यहां पर आ जाएंगे आप पर्सनल सेटिंग में। तो यहां पर पर्सनल सेटिंग में हम आते हैं तो यहां पर एक ऑप्शन आ जाता है आपका, चेंज निकनेम का ऑप्शन आ जाएगा, चेंज पासवर्ड और एसेट पासवर्ड। दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिए, एसेट पासवर्ड जो ये है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार का आता है, जो पासवर्ड आपने पहले बनाया हुआ था वहाँ से अगर आप चाहो तो नया अपना एसेट पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पुराना यहाँ पर जो दिया हुआ है, ओल्ड एसेट पासवर्ड, ठीक है, दे करके आप अपना नया क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप भूल चुके हैं अपना एसेट पासवर्ड तो वो आपको यहाँ पर क्या करना है, फॉरगेट एसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आर यू श्योर यू नीड टू रीसेट योर एसेट पासवर्ड, यानी कि क्या आप श्योर हैं अपना एसेट पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर आगे बताया कि आफ्टर सक्सेसफुल रीसेटिंग द एसेट पासवर्ड यू कैन विड्रॉ एंड ट्रांसफर फंड आफ्टर 24 आवर, यानी कि यहाँ पर जो नया आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे वो आपका एक्टिव होगा 24 घंटे के बाद, ठीक है, 24 घंटे आपको वेट करना होगा। तो अगर आपने अभी तक अपना एसेट पासवर्ड नहीं क्रिएट किया है तो एसेट पासवर्ड को क्रिएट कर लीजिए। सिंपल है दोस्तों, अगर आपका नाम राहुल है तो अगर आपने यहाँ पर पासवर्ड जो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि राहुल अगर आपका नाम है तो राहुल RAHUL करके और @ यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर @ दे देंगे। @ का जो सिंबल होता है दोस्तों, यहाँ पर आप ऐसे करके यहाँ पर ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 1, 2, 3, 4 कर सकते हैं या 5 तक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जो आपका पासवर्ड है उसको आप रहने दीजिए 1, 2, 3 तक, और एसेट पासवर्ड में 1 या 2 अंक और बढ़ा दीजिए, जैसे 4 और 5 को बढ़ा सकते हैं। इसे ये लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा अपना एसेट पासवर्ड, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर जो एसेट पासवर्ड है क्रिएट करने का मौका ही ना दे, ये भी हो सकता है। तो फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचना है, अभी प्रेजेंट में क्या यहाँ पर अपडेट्स आ रहे हैं उस पर आपको विशेष ध्यान देनी है। तो अब हमने यहाँ पर बात कर लिया, और दूसरी बात यहाँ पर है दोस्तों, अब मेटामास्क में चलते हैं, ठीक है। अब मेटामास्क में आते हैं तो बहुत से ऐसे यूजर्स हैं जो अपना मेटामास्क अकाउंट तो क्रिएट कर लिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आपको क्या चीज़ ध्यान देना है, वो क्या ध्यान देना है आपका, यहाँ पर 12 वर्ड का आपका की आता है, ठीक है, जिसे आपको किसी नोटबुक डायरी में नोट करके रख लेना हो। तो दोस्तों अगर आपने मेटामास्क वॉलेट क्रिएट कर लिया है, अगर नहीं किया है तो कैसे क्रिएट करना है, इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप जाकर के वॉच कर सकते हैं। अगर आपने वॉलेट क्रिएट कर चुका है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पर दोस्तों एक आएगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का। दोस्तों इसके आगे अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पर प्रोसेस होगा वो पूरा ब्लैंक दिखाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर जो ऑप्शन है ये, इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो मेटामास्क में क्या होता है कि पहले आपका पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, पासवर्ड जैसे मांगेगा, पासवर्ड आप जो जब दोगे तो आपका वहाँ पर क्या होगा, एक ऑप्शन दिख जाएगा आपका वहाँ पर, जो 12 वर्ड का पासफ्रेज होगा वो आपका दिख जाएगा, जिसे कॉपी कर लेना है और किसी व्हाट्सएप पे या कहीं नोटबुक, जो आपकी डायरी है या जो ऑनलाइन जो गूगल प्ले पे भी आपको नोटबुक मिल जाएंगे, वो मेल आईडी से अटैच होता है। अगर इन फ्यूचर में अगर आपका मोबाइल नंबर खो भी जाए तो अगर मेल आईडी से आपका नोटबुक अटैच रहेगा तो आप किसी भी मोबाइल में उसे ओपन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर 12 वर्ड का आपका जो जिसे यहाँ पर मिलेंगे, जिसे मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका यहाँ पर पासफ्रेज होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वर्ड के यहाँ पर आपके पासफ्रेज होंगे, जिसे आपको किसी नोटबुक डायरी में नोट कर लेना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
यहाँ पर कि मेटामास्क में क्या होता है कि जब आप कभी क्या होता है कि जब यहाँ पर ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है या यूँ समझे कि ट्रैफिक होता है, तो जब आप अपना पासफ्रेस से भी अगर ओपन करते हैं तो क्या होता है कि 3-4 दिन तक ओपन नहीं होता है। तो उसका दूसरा यहाँ पर ऑप्शन ये है, यहाँ पर इसी ऑप्शन में साइड में, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर आपको पासफ्रेस दिख जाएंगे और एक यहाँ पर जो ऑप्शन होंगे ये वाला ऑप्शन, यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा बार कोड। तो बार कोड को किसी आपके घर में और भी मोबाइल फ़ोन होंगे उससे क्या करना है, वो इस बार कोड को आपको कैच करके रख लेना है, सेव करके रख लेना है, ताकि अगर पासफ्रेज इन फ्यूचर में मान लीजिए अगर ट्रैफिक ज़्यादा होता है, अगर ओपन नहीं होगा, तो बार कोड से आप ओपन इजली पूर्वक कर सकते हैं। इसके बाद ही दोस्तों इतना कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ जाता है कि आपका जो पासफ्रेज यानी कि जो मेटामास्क का पासफ्रेज है और जो बार कोड है वो, और साथ में जो यहाँ पर मैंने बताया आपको एसेट पासवर्ड, जो सातोशी एप्लीकेशन का एसेट पासवर्ड, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि उतना आपको याद रहेगा लॉन्ग टर्म तक, आपने कहीं नोट करके रख लिया है। तो अभी यहाँ पर जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है यहाँ पर, जैसे कि ये जो आपको कोड वाला जो ट्रांसफ़र वाला मैंने ऑप्शन बताया था, ये आपको करना है, ठीक है, यहाँ पर एड्रेस लिंक कर देनी है। अदरवाइज अगर फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो 2-4 दिन, 5 दिन तक आप रुकिए, क्योंकि अभी नए फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि कोर क्वाइन का ये जो अभी का अभी प्रोजेक्ट आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये जो 100% जो प्रोजेक्ट है, 100% में केवल 1% अभी हम यहाँ पर प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, जैसे कि कई से बहुत से ऐसे एक्सचेंजेस जो अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने की बात कर रहे हैं या जो फीचर्स आपको दिखाई दे रहा है। और साथ में जैसा कि आप जानते हैं कि कोर कम्युनिटी की ओर से यहाँ पर जितने बिटकॉइन को शेयर किया गया है, लोगों को बांटा गया है, ये अनलिमिटेड था, मिलियंस में था दोस्तों। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोर की वैल्यू तो बहुत अच्छा बनेगा। एक न्यूज आया था कि 0.98 USDT, करीब करीब 1 USDT के अराउंड में एक कोर की वैल्यू बन रही है, वो दोस्तों बिल्कुल गलत बात है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और जो यहाँ पर क्वाइंस आपने कलेक्ट किए हुए हैं कोर क्वाइन को, उसको आपको होल्ड करके रखना है। साथ में दोस्तों मेरा जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने एक ऐसा तरीका आपको बताया हुआ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर के अलावा जो यहाँ पर नेक्स्ट आने वाले समय में जो एयरड्रॉप्स लॉन्च होंगे उसका बेनिफिट आप ले पाओगे। इसलिए जो मेरा पिछला वाला वीडियो है आप उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा, वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं वीडियो के अंत में कि यहाँ पर जो बिटकॉइन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मिनिमम विड्रॉल है यहाँ पर ये है आपका 20K सातोशी, और जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि 3-0 के बाद 21,569 यहाँ पर शो कर रहा है, जो फिर से मैं देखा देता हूँ 21,569। तो मैं इसे कैसे विड्रॉ लेना है, तो विड्रॉ लेने के लिए दोस्तों विड्रॉ के सेक्शन पे क्लिक कर देनी है और विड्रॉ एड्रेस यहाँ पर सबमिट करना होता है। तो विड्रॉ एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा जो एक्सचेंज आप यूज़ करते हैं। मैं करता हूँ बाइनेंस और भी मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन बाइनेंस मुझे अच्छा लगता है। तो बाइनेंस पे यहाँ पर आते हैं वॉलेट के सेक्शन में और यहाँ पर हम कर देते हैं BTC, यहाँ पर टाइप कर देते हैं, ठीक है, BTC, फिर से मैं सर्च कर देता हूँ BTC, तो यहाँ पर BTC आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, डिपॉजिट के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर देखेंगे गाइज एक एड्रेस हमारे सामने यहाँ पर आ जाता है जो ये नेटवर्क है, ठीक है। नेटवर्क आपको कौन सा चूज करना है ये आपको विशेष ध्यान देनी है। यहाँ पर आपको नेटवर्क मिल जाएगा BEP20 का, बिटकॉइन का, और BNB बीकॉन चैन का भी मिल जाएगा, BTC सेगविट का भी मिल जाएगा, लेकिन आपको सेलेक्ट करना है बिटकॉइन का, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमको यहाँ पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर जो ये वॉलेट एड्रेस है ये आ जाता है, इसे हमें कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर जो वॉलेट एड्रेस है, विड्रॉल एड्रेस, यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो अमाउंट है, अमाउंट आपको यहाँ पर जो ऑल है, ऑल वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ऑल पे हम जैसे करेंगे जितना यहाँ पर BTC है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर आ चुका है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो एसेट पासवर्ड है, तो मैं अपना एसेट पासवर्ड यहाँ पर दे देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना एसेट पासवर्ड दे दिया है और यहाँ पर कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो जैसे ही कन्फर्म पर हम क्लिक करेंगे तो मेल ID पे एक OTP जाएगा, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, तो वेरिफिकेशन कोड जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फिर अब यहाँ पर इसको बैक करते हैं और अपने मेल ID पे आते हैं। तो मेल ID पे आने के लिए हमको यहाँ पर फिर से क्लिक करना होगा और मेल ID भी अपना मैंने ओपन कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सातोशी का यहाँ पर आ चुका है मेल ID का, और यहाँ पर ये जो कोड है, ये कोड है आपका 2282 16 है, तो 2282 16 अब यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। और वीडियो के अंत में एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो है दोस्तों कि यहाँ पर जितने लोगों को आप चाहो अभी भी रेफर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर रेफर करेंगे ये आपका जो हैश पावर होगा ना दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इससे
आपको जितने लोगों को आप यहाँ पर शेयर करेंगे इस एप्लीकेशन को, आपको यहाँ पर हैश मिलता रहेगा। और जब तक इन द वर्ल्ड, और दोस्तों जब तक सातोशी इस दुनिया में रहेगा, पावर मिलता रहेगा। और जो नए और जो नया कॉन्सेप्ट कोर के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होगा वो तय करेगा कि आपके पास हैश पावर कितना है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हैश को इंक्रीज करने का अभी तक का दो ही तरीका है। पहला है यहाँ पर, जैसे कि आप होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है हैश कार्ड को, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके कर सकते हैं। और जो यहाँ पर जो माई हैश है ये इंक्रीज कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर शेयर करने के बाद। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।